लक्ष बेटा इधर आओ। देख बैठ जाओ, लो ये पपीता खाओ। बेटा इसको खाने से ना शरीर में पानी की पूर्ति होती है और ताकत आती है शरीर में। पपीता खाने की, तुझे पता है ना तेरा भाई कमजोर है, तू तो वैसे भी इतनी मोटी है। छोटे भाई को तैयार करी और तू तो इतनी बड़ी होगी खुद नहीं होता देर में तैयार होना। चल ठीक नहीं है और तू आज स्कूल जाने की टाल कर। पर आज तो मेरे टेस्ट है। तुझे बोल दिया ना एक बार, मेरी तबीयत ठीक नहीं आज, चल अंदर चल। कोई खोट नाल, कोई मेहनत नाल कमाए रोटी, किसे नू चैन दी नींद सवाए ते किसे नू रातां नू जगाए रोटी। बाबू जी दे दो पपीता। तुझे क्या जरूरत है पपीता खाने की, तुझे पता है ना तेरा भाई कमजोर है, तू तो वैसे भी इतनी मोटी है। बाबू जी तैयार कर दो। तुझे भी खाने दे रहा, मैं तेरे छोटे भाई को तैयार करी और तू तो इतनी बड़ी होगी खुद भी होता देना तैयार होना। चल बेटा ने क्लास टॉप करी। आखिर बेटा किसका है? माँ बड़ी फैल होगी। फैल तो होनी थी महारानी, पढ़ने में तो दिमाग नहीं है, दिमाग पता नहीं आजकल कहाँ रहने लगा। ऊपर से मेरी एक साल की पूरी फीस भी खराब करती हुई और आज से तेरे स्कूल जाना बंद है। रुचि कौन? ये मत पूछ कौन हूँ, लेकिन क्या तुझे पता है तेरे बेटे ने कैसे क्लास टॉप की? कैसे? जिस बेटी ने तेरी फीस बर्बाद कर दी उसी बेटी ने तेरे लाडले बेटे को दिन रात पढ़ाया और उसके पढ़ने के टाइम से तू उससे काम कराती थी। वो चाहती तो पढ़कर पास भी हो सकती थी, लेकिन उसने तेरे लाडले बेटे की पढ़ाई पूरी कराई जिसके कारण आज तेरे बेटे ने क्लास टॉप की। और तेरे जैसी माँ से बहुत समझती है, उनमें भेदभाव करती है, इन्हें पराई कहती है। मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने दक्ष गोरे में भेदभाव करा। आज के बाद में कभी मैं भेदभाव नहीं करने की, गोरे को मैं खूब पढ़ाऊंगी खूब लिखाऊंगी। हेलो दोस्तों, बेटियां वो अनमोल रत्न होती है जो हर किसी की किस्मत में नहीं होती है। उनके साथ कभी भी कोई भेदभाव ना करे, उनको भी एक बेटे की तरह ही प्यार करे, उनको भी खूब पढ़ाए खूब लिखाए।
ताकि वो आत्मनिर्भर हो। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। नमस्कार।